पर्यावरण संवर्धन के लिए लगाए पौधे, लॉयनस क्लब ने किया पौधरोपण। मेयर गहलोत ने जताई बढ़ते प्रदूषण पर चिंता। लॉयनस क्लब की ओर से पर्यावरण संवर्धन के लिए पौधरोपण किया गया। फायसागर रोड स्थित करंट वाले बालाजी के मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में पौधे लगाकर पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने शहर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। कार्यक्रम में पार्षद ज्ञान सारस्वत सहित लॉयनस क्लब के पदाधिकारियों ने पौधे लगाए। के नेतृत्व के अंदर ये आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है। जो ये पुष्कर रोड है, करंट वाले बालाजी का जो मंदिर है उसके पास जो सड़क है, सड़क पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से मेरे पार्षद भाइयों ने भी इसमें सहयोग लिया है, यहाँ के जन ने भी सहयोग लिया है, तो निश्चित रूप से आज बहुत लाजमी है इस समय के अंदर कि पर्यावरण से अगर होगा तो ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, जिससे पॉल्यूशंस हो रहा है, उस पॉल्यूशंस को समाप्त करने के लिए पेड़ ही एक ऐसा उपाय है जो कि पर्यावरण को, इसका ऑक्सीजन इसको भी खत्म करता है और दूसरा वर्षा को भी आमंत्रण करता है। तो निश्चित रूप से इस श्रावण मास के अंदर शुभ कार्य यहाँ पर किया गया है, इसलिए मैं लॉयंस तरफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, लॉयंस क्लब अजमेर की तरफ से आज का करंट वाले बालाजी के मंदिर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर जो मुख्य अतिथि है मेयर साहब धर्मेंद्र गहलोत जी पढ़ा रहे हैं, और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आभा गांधी जी हैं, आरसी महत्व प्रमिला राठौर जी और हमारे क्लब के सभी सदस्य हैं। इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हमने यहाँ पे पौधारोपण किया है और 7 से 8 फीट के पौधे लगाए हैं। कहाँ पर लगाए? ये करंट वाले बालाजी के मंदिर में, फायसागर रोड पर। आपका नाम? मेरा नाम क्लब अध्यक्ष सीमा शर्मा है।